खजनी थाने की पुलिस ने कूट रचित पेपर तैयार कर जमीन बेचने वाले 4 सदस्यों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एक जमीन को कई लोगों को बेच देते थे, जिसको देखते हुए चारों अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी पहचान रणजीत सिंह उर्फ रिक्कू सिंह पुत्र परमहंस सिंह निवासी राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर, दूसरा पंकज शर्मा पुत्र माता प्रसाद निवासी चाड़ीपुर कला थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर, तीसरा अमरनाथ निगम पुत्र रामवृक्ष निगम निवासी बहुरीपार थाना बांसगांव गोरखपुर, चौथा उर्मिला देवी पत्नी भोला सानी निवासी बेलहरा पीड़िया बाजार थाना महुली जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र खजनी में दो महिलाओं के नाम से जमीन थी, एक सातिर गैंग जो किसी भी व्यक्ति की जमीन पे किसी दूसरे को खड़ा करके बैनामा करा लेता था, उन लोगों ने इन दो महिलाओं के स्थान पर दो महिलाएं खड़ा करके और उनका बैनामा लगभग 4-5 लोगों को अलग अलग बैनामा करा दिया। जब इन महिलाओं को पता चला उनकी जमीन खारिज दाखिल के लिए नोटिस आई तो उन्होंने थाना खजनी पर आकर के क्रेता के खिलाफ मुकदमा लिखाया। इस मुकदमे की पड़ताल में ये पता चला कि क्रेता भी ठगे गए, वस्तुतः एक गिरोह है जो फर्जी महिलाओं को खड़ा करके उसने बैनामा कराया है। विवेचना से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ, इसमें संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर के लोग भी शामिल हैं। दो महिलाओं में से एक महिला की शिनाख्त हो गई है, एक महिला और 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद उनके विरुद्ध चार्जशीट गई है, जिसके आधार पर आज इनके विरुद्ध थाना खजनी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग लिखा गया है। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है, उनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर जब आरोप पत्र लगेगा तो उन्हें भी इस गैंग चार्ट में शामिल किया जाएगा।